चांद मेरा दोस्त। हाँ ताशी बोलो। नासिर की बात सुनने के बाद समझ में आया कि तुम बार बार उस नामचे बाजार वाले बार में क्यों जाता है। मैं समझ गया चांद, मैं समझ गया तुम बार बार एवरेस्ट मिशन पे क्यों जाना चाहते हो। हमारा ये दोस्त चांद बारा छुपा रुस्तम है, क्यों चांद? तुम लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भूल गए क्या उस लड़की को जो उस बार में काम करती है? तुमने कभी बताया नहीं मुझे चांद, कौन है लड़की? सर कोई नहीं है, ये लोग पागल है। ऐसे ही एक बार एक बार में एक लड़की से बात कर ली थी। तुम्हारा वो एक बार हम जानते हैं चांद। चाचा जी हम लोगों ने एक फोन सर्वे किया और सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने हजारों हाउसवाइफ से पूछा क्या वो सेंचुरी इंडस्ट्रीज की ब्रांड इस्तेमाल करना चाहेंगी। एंड बिलीव मी उसमें से 70% ने कहा हाँ, एंड नॉट जस्ट दैट 60% ने कहा कि वो हमारे ब्रांड को दूसरों के लिए सिफारिश करेंगे, रेकमेंड करेंगे। और जब से ये अंजलि सिंह रावत सेंचुरी ब्रांड के साथ जुड़ गई है तब तो हम इंडिया के हम तो वर्ल्ड फेमस होने के कगार पे हैं, स्पेशली यंग लोगों के साथ। हमारे सर्वे के साथ चाचा जी 18 से 34 साल की एज ग्रुप में हमारी सेल्स कम से कम 50% बढ़ने की संभावना है। आई मीन दैट दैट समथिंग। ये सर्वे ये रिसर्च क्या किसी बाहर की एजेंसी से करवाया है कि तुम्हारी कंपनी के लोगों ने ही किया है? नहीं ये अभी तो हमारी कंपनी के लोगों ने किया है, यू नो वी हैव अ इन हाउस रिसर्च टीम। लेकिन एकदम पक्का रिसर्च है, एकदम फुल प्रूफ है। इफ यू वांट आप दूसरी एजेंसी को हायर करके आप क्रॉस चेक इट, इट्स बहुत मेहनत के साथ लगन के साथ किया उन्होंने रिसर्च। कोई जरूरत नहीं है, मैं पुराने ख्यालातों का बिजनेसमैन हूँ रमेश, मुझे जो सुनना है वो बोलने के लिए मैं लोगों को करोड़ों रुपए दे दूं? ये पैसों का खर्चा नहीं कचरा करना हुआ। चाचा जी मेरे एक दोस्त है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उसका फोन अभी मेरे पास आया, बोला कि रमेश यू नो रास्ते में लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सेंचुरी इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदो, एक महीने में डबल होने की संभावना है। आई मीन वाओ। मुझसे ज्यादा रास्ते पर कोई नहीं रहा है रमेश, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मैं उसे बोलता हूँ मेरे दोस्त को, वो आपको फोन करेगा, आप उससे बात कीजिए, ही कंफर्म इट फॉर यू। आई एम नॉट लाइंग चाचा जी। बेटा मैं गधा नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या कर रहे हो। ऐसे करतब सर्कस के जादूगर को अच्छे लगते हैं, एक बिजनेसमैन को नहीं। ये धंधा है, यहाँ जादू की छड़ी चलाकर लोगों को तुम उल्लू नहीं बना सकते। आज की पब्लिक बहुत होशियार है, हमसे भी ज्यादा। I know that. जैसे जी बस थोड़ा सा वक्त हम लोगों को और चाहिए। हम तुम्हें काफी वक्त दे चुके हैं, तुम्हारे पैट्रो से कोई इंप्रेस नहीं हुआ और तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे हमारे बोर्ड को कॉन्फिडेंस आए तुम पर। जो 6 महीने तुम्हें मिले थे उसमें से अब कुछ ही हफ्ते बच गए हैं तुम्हारे पास। चाचा जी मैंने इसी सिलसिले में फोन करा था कि मैं बोर्ड से 3 महीने की एक्सटेंशन और चाह रहा था बस। नहीं मिलेगा एक्सटेंशन, जो वक्त बचा है उसमें कोई चमत्कार कर लो, नहीं तो बोर्ड को मजबूरन तुम्हारे डिवीजन को हमारी कंपनी से बेदखल करना पड़ेगा। चाचा जी प्लीज ये बात यहीं खत्म हुई। मेरी एक सलाह मानो रमेश, इन पैतरों से कुछ नहीं होगा, अब रियल बिजनेस करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी कंपनी का साया तुम्हारे सर से हटने वाला है। जब कड़ी धूप में तुम्हारे पैसे गलेंगे तब हमारी बात को याद कर लो। अर्जुन कम इन प्लीज। या मिस्टर रुमटा बोलिए। अर्जुन कुछ करो प्लीज, करो कुछ, प्रेशर इतना कि मैं फट जाऊंगा अभी। जिन्हें
पैराडाइज पर पहुंचने के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करने वाले हो? अभी तक कोई प्लान नहीं है। प्लान नहीं है क्या मतलब? प्लान नहीं है तो प्लान बनाओ अर्जुन, बनाओ प्लान। काम कैसे पूरा करोगे? यू हैव टू हैव अ प्लान राइट? मैंने कहा ना, मैंने अभी तक सोचा नहीं है मिस्टर उंगटा, सोचता हूं। यस प्लीज प्लीज डू मी दैट फेवर, सोचो कुछ। बाकी लोग जब जेनेवा से वापस आ जाएंगे तो तुम्हें आगे जाना होगा चोटी तक, तुम्हें काम पूरा करना है। गेट दैट राइट? रिस्की होगा सर। रिस्की होगा? व्हाट डस दैट मीन? ऑफ कोर्स रिस्की होगा, ऑफ कोर्स रिस्की होगा। तुम रिस्क लेने ही तो आए हो यहां पे। अर्जुन यू हैव टू जस्ट डू दिस ओके? जब बाकी लोग निकल जाए तो मुझे रेडी करो। ओवर एंड आउट। जो लोग चेक्स काटते हैं ना, बड़े अजीब लोग होते हैं। नहीं, रुंगटा की बात कर रहे हो ना? या, रुंगटा। कमीना है वो। शुक्र है इसके बाद मुझे उसके साथ और कोई काम नहीं करना। लेकिन तुम्हारा तो कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लगता है उसके साथ, है ना? या। कैसे काम कर लेते हो उसके साथ यार तुम? वो मुझे तकलीफ देता है और मैं उसे तकलीफ देता हूं, सिंपल। और वैसे भी उसे पता है कि वो मेरे साथ साथी नहीं कर सकता। लेकिन उसने मेरे साथ तो की थी, पेमेंट नहीं दे रहा था मेरा। लेकिन फिर दे दिया ना? हाँ, कहा तो था दे देगा। तो फिर दे देगा, डोंट वरी। एनीवेज आकाश, ये काम ना मैं पैसों के लिए नहीं करता। माउंटेनियरिंग मेरा पैशन है, पैशन। ये तो मुझे यूं ही पैसे मिलते गए और मैं सेलिब्रिटी बन गया। पर मुझे मजा आता है सिर्फ इस काम के साथ जुड़े एडवेंचर से। दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट। मेरा दोस्त गौरव, वो भी कुछ ऐसा ही कहा करता था। लेकिन तुम्हें जितने पैसे मिलते होंगे उसे पाना बस उसका सपना ही रह गया। हे चांद, इस अंधेरी काली रात में मुझे एक कहानी याद आ गई है। इस कहानी का एवरेस्ट से एक अजीब सनाता है। कहानी प्यार की है, जरा गौर से सुनना चांद। क्या तुम में से किसी ने कभी सरपेच के बारे में सुना है? कोई बता सकता है सरपेच क्या चीज होती है? अगर जानते हो तो बताओ। राजस्थान में राजा महाराजा अपनी पगड़ी पे हीरो से जड़ा हुआ एक ज्वेल पहना करते थे। इस ज्वेल को सरपेच कहते हैं। शायद आपने सही कहा अंजलि मैडम। इस कहानी में भी एक फेमस सरपेच है जो इंडिया के किसी राज्य के महाराजा का था। किसी को इस सरपेच की हिस्ट्री नहीं मालूम। वो कहां से आया है, किसका है, ये कोई नहीं जानता। पर लोगों का मानना है कि वो मशहूर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। उस राजा की तो मानो जान ही बसी हुई थी इस सरपेच में। वो हमेशा उसे अपने पास रखता।
दिन रात सहलाते, प्यार से उसे अपनी महबूबा कहते, महबूबा। लोग सोचने लगे कि उस सरपेज ने राजा पर कोई जादू टोना कर दिया है। वो उसके लिए इस कदर दीवाने हो गए थे कि दिन रात मलमल के कपड़े से उसे चमकाते रहते। फिर एक दिन जब वो उस हीरे को निहार रहे थे तो अचानक उन्हें उसमें एक चेहरा दिखाई दिया, एक खूबसूरत औरत का चेहरा। के दिल के अंदर से आवाज आई, यही तुम्हारी धर्मपत्नी का चेहरा है। इस जन्म में ही नहीं, आने वाले कई जन्मों तक यही तुम्हारी हम सफर रहेगी, तुम्हारा प्यार अमर रहेगा। वो उस चेहरे को भूलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे तस्वीर में उतरवाने का फैसला किया। एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा तस्वीर में भी उतना ही खूबसूरत उतरे, इसके लिए राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया गया। राजा उस चेहरे को बयान करते गए और चित्रकार उस चेहरे को तस्वीर में उतारता गया। राजा के संतरी राज्य के कोने कोने में उस चेहरे को तलाशने लगे। हाथ में तस्वीर लिए वो उस चेहरे को ढूंढते रहे, वही चेहरा जो सरपेज के हीरे में राजा ने देखा था। और फिर कई महीनों के इंतजार के बाद राजा के सामने वो चेहरा आ ही गया। बताया कि हूबहू उसका चेहरा वो पहले ही देख चुका है, तो उस खूबसूरत औरत को इस बात पर कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि वो भी राजा का चेहरा पहले कई बार देख चुकी थी। फिर बहुत दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई। हीरे ने सच पहले ही दिखा दिया था, दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। ऊपर वाले ने उनकी दास्तान पहले ही लिख दी थी। हर गुजरते दिन के बाद राजा का रानी के प्रति प्यार बढ़ता चला गया, इस कदर तक बढ़ गया कि वो धीरे धीरे हीरे को भूलने लगे, क्योंकि अब उसकी सबसे कीमती चीज उसके दिल में थी, मुकुट में नहीं। और जैसे हर लव स्टोरी का एक एंड होता है, इस लव स्टोरी का भी दी एंड आ ही गया। कुछ साल बाद राजा नहीं रहा, रानी का दिल टूट गया। रानी को पता था कि यह सरपेज राजा के दिल के कितने करीब था, इसलिए वो चाहती थी कि ये हमेशा उनके पास रहे। इसीलिए रानी ने सरपेज को ऐसी जगह रखना चाहा जो राजा के सबसे करीब हो।
रानी ने सरपेज को दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर रखने का फैसला कर लिया। सुना है कुछ साल पहले रानी जी के आदेश पर एक कोई इंडियन क्लाइंबर ने उस हीरे को एवरेस्ट की चोटी पर दफना दिया है। एवरेस्ट स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।